वेलकम टू माई चैनल। सेकेंड इनिंग लाइफ बिगिंस आफ्टर 60। मैं हूं आपका दोस्त नीरज जैन। इस समय धवलगिरी पे हैं। यहां पे एक शिव टेंपल है और एक बुद्ध टेंपल है जिसको देखने अब हम जा रहे हैं। पहले शिव टेंपल आएगा, उसके पीछे फिर स्तूप है। यहीं पे कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंगा का युद्ध ही तो हुआ। अशोक का। ओके। इस समय हम धवलगिरी में हैं। धवलगिरी में अभी हमने शिव जी के दर्शन करे हैं, शिवलिंग के। और अब पीछे ही बौद्ध टेंपल है, वहाँ जाएंगे। ये एक पहाड़ी से पूरा लुक है। बहुत ही सुंदर नज़ारा दूर दूर तक दिखाई देता है इस पहाड़ी से। कहते ये हैं कि यहीं पे कलिंगा का युद्ध हुआ था, इस पहाड़ी पे। ये वो शिव मंदिर है। शिव मंदिर है, इधर नंदी जी महाराज विराजमान है। दो शेर, एक ही शेर, और नंदी जी आगे हैं। और यहाँ पे आगे शिवलिंग का गणपति भगवान गणेश जी। गणेशाय नमो प्रभु सर्वानिष्टग्रहसं दे बाबूजी का मनस्कला पर मेरे हे परिवार का मनस्कला पर मेरे महा कवि आशीर्वाद बाबूजी का मनस्कला पर मेरे प्रभु सर्वानिष्टग्रहसं दे। और खुशी मन में प्रभु और चढ़ा लेगा मैं धूप लगा लिया पंडित भगवान से धूप लगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर नीचे देख रही है ना, नीचे फूलों के नीचे है। लक्ष्मी नारायण मंदिर मंदिर है बाबा, मंदिर है जाओ, बुद्ध मंदिर। धवलगिरी का मैंने अंदर खींचा है। धवलेश्वरी मंदिर
पार्वती माता पार्वती धवलगिरी का बौद्ध स्तूप गेट पे दो शेर कहते हैं कलिंगा का युद्ध नहीं हुआ था ये बाहर कुछ नक्काशी बनी है बुद्ध भगवान से संबंधित बुद्ध भगवान से संबंधित है बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया नक्काशी बनी हुई है नीचे इस पर पेंट कर रखा है और ऊपर शायद ऐसे ही इधर भी शेर दो शेर इधर हर दिशा में दो दो शेर हैं यहाँ से भी नज़ारा बहुत सुंदर है हाँ नज़ारा तो सुंदर है क्योंकि शिव मंदिर से भी ऊपर थोड़ा सा चढ़ के आके है तो यहाँ से नज़ारा और भी अच्छा दिखाई दे रहा है इधर अगर हम देखें तो भगवान बुद्ध की एक और प्रतिमा ऊपर पीले रंग से कुछ नक्काशी की गई है उसको पेंट किया गया है येलो कलर से वैसे जितनी भी बौद्ध मॉनेस्ट्री हैं बड़े कलरफुल होती हैं पर यहाँ पे वाइट और येलो ज़्यादा दिखाई दे रहा है शांति स्तूप है इधर से भी रास्ता होगा ना सिंह द्वार बना हुआ है चारों तरफ शेर हैं द्वार है बना रखे हैं बहुत ही सुंदर शांति का एहसास हम इस समय मेन गेट की तरफ से आए हैं शायद ये सुबह का मेन गेट है और यहाँ से हम जब नीचे देखिएगा क्या क्या दिखाई दे रहा है ये नीचे शायद स्कूल की कोई बस आई है बच्चे आ रहे हैं बच्चों का कोलाहल लाइन लगाते हुए चलते हुए कितना बढ़िया लग रहा है आज इनकी पिकनिक है यहाँ पर हाँ पिकनिक आउटिंग डे आउटिंग बचपन याद आ गया अपना भी ये बस हमें रास्ते में मिली थी ना हाँ वो तीन बसें थी इकट्ठा बिल्कुल हाईटेक स्कूल हाँ काम चल रहा है एक तरफ का भी बना रखी है धवल गिरी ना धवल यहाँ से सफेद सफेद दिख रहा है ना दिखता है सर धवल Thank you.
चल रही है उसका नाम शांति स्तूप भगवान बुद्ध की। पूजा स्थल बुद्धिस्ट मंदिर। बच्चे कैसे लाइन लगा के जा रहे हैं, हमें भी अपना बचपन याद आ गया। भाग रहे हैं, क्या खूबसूरत लग रहा है ना, अद्भुत नजारा, अद्भुत मजा आ रहा है। जिंदगी करके कैसे घूमते रहे हैं।